हम डॉक्टर अवधेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि ओम शांति। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, जिसके लिए कहा जाता है कि एक्सप्रेशन सबसे बड़ी कला है, हर आत्मा को एक्सप्रेशन अपने अंदर की कलाओं का बाहर करना है, इसीलिए कहा जाता है एजुकेशन, एड्यूस। एड्यूस का अर्थ है अंदर से बाहर निकालना। तो कैसे हम अपना प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करें और कैसे क्राउड को देखकर चलें, जो भी यहां लेक्चर्स दिए जाएंगे, प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उसका मेजर एम ये होगा कि आपको बेसिक जो उसकी फिजियोलॉजी है वो समझना है। रट्टा मारकर लेक्चर को प्रेजेंटेशन नहीं करना है। हर आत्मा अलग अलग है, डॉक्टर अवधेश शर्मा अलग है, डॉक्टर सचिन अलग है, बनारसी भाई अलग है, हर आत्मा की अपनी अपनी यूनिकनेस है। उस यूनिकनेस को नहीं खोना है आपको, केवल जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको अपनी पर्सनैलिटी से मिक्स करके एक्सपांड करना है। तो ये ध्यान जरूर रखना है कि हम उसको एकदम कॉपी नहीं करें, मैटर को लेकर उसको चर्न करें और फिर उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करें। तो डॉक्टर अवधेश शर्मा बहुत अच्छे खुद ही स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड के कि कैसे एक्सप्रेशन न होने के कारण हमारे पर्सनल प्रॉब्लम भी रहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है कि जो हमारे अंदर के भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम सॉल्व कर सकेंगे। डॉक्टर अवधेश शर्मा, माय प्रेजेंटेशन टुडे इज फॉर दोज हु फाइंड दैट even the thought of giving a presentation, you are very tense, and when you give a presentation you are often tongue-tied, dry mouth. The audience, one person or a hall full, seems to be bored. Thank you very much. What I just tried to do, you should not be doing. Jo jo maine abhi karne ki koshish ki, आपको एक प्रेजेंटेशन में वही कुछ नहीं करना है। मैं जब खड़ा हुआ था तो मैं आप में से किसी से नजरें नहीं मिला रहा था, मैं पीठ करके खड़ा हुआ था, यानी एक तरह से मैं आप लोगों का तिरस्कार कर रहा था। दूसरा, जो मेरी स्लाइड है इतनी आउट ऑफ फोकस है, इतनी छोटी है कि आप क्या मैं भी नहीं पढ़ पाता हूं, टेढ़ी है। अगर मुझे पढ़ना था तो मुझे स्पेक्टिकल्स चाहिए थे जो कि यहां पड़े हैं, मेरे साथ नहीं थे। जब मैंने बोलने की कोशिश की तो मेरा जो माइक था वो बहुत नीचे था और उसकी डायरेक्शन सही नहीं थी। दीज आर दी क्लासिकल प्रॉब्लम्स दैट पीपल हु स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दे एनकाउंटर। और जैसे जैसे अगले करीबन एक घंटे में हम चलेंगे, राइट फ्रॉम द बिगनिंग की प्रेजेंटेशन, चाहे वो एक व्यक्ति से हो, मेरा ये मानना है कि जब आप किसी को भी वन वीक कोर्स करवाते हैं जो वन टू वन है, वो भी एक प्रेजेंटेशन है, उसमें भी आप उस व्यक्ति को एक मैसेज दे रहे हैं। और अगर वो मैसेज आप इफेक्टिवली नहीं देंगे तो वो व्यक्ति भी खिड़की के बाहर झांकेगा, घर के बारे में सोचेगा। और वही प्रिंसिपल्स जो है, वही प्रिंसिपल्स चाहे वो 10,000 की क्राउड हो। कई बार मैं मॉर्निंग में, जैसे आज दादी जब क्लास करा रही थी, उन्होंने बीच में एक अपना पर्सनल एग्जाम्पल दिया, एंड दैट एग्जाम्पल वॉज सो पर्सनल कि ज्यादातर लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन उसकी वजह से उनके साथ जो कनेक्शन था वो इमीडिएटली जुड़ गया। सो एज वी गो अलॉन्ग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ नहीं लिखें,
क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आप यहां ध्यान नहीं देंगे. लेटर ऑन इफ प्रेम भाई, बनारसी भाई, गिरीश भाई फील एंड दे वॉन्ट टू टेक सम पॉइंट्स फ्रॉम माई प्रेजेंटेशन टू बी गिवन टू द ऑडियंस, मोस्ट वेलकम. अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न थोड़ा बुद्धि में रख लीजिए, या हो सकता है एक आधा लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, एंड वी विल टेक अप ऑल द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन. फर्स्ट लेट मी टेल यू आई एम डिलाइटेड टू बी हेयर. बनारसी भाई की एक आदत है, वो बहुत चढ़ा देते हैं व्यक्ति को, लेकिन उसमें एक मुश्किल हो जाती है कि उतना ही आपको डिलीवर करना पड़ता है. सो आई विल ट्राई टू लिव अप टू द रेपुटेशन दैट बनारसी भाई हैज सेट फॉर मी. बट इट इज इनडीड माई प्लेजर टू बी इंटरेक्टिंग विद दिस ग्रुप, बिकॉज आई फील कि जो यहां पर बीज डलता है उसके बड़े बड़े वृक्ष बाद में निकलते हैं, एंड होपफुली वॉट वी आर गोइंग टू बी डिस्कशिंग इन टूडेज सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू मेक सक्सेसफुल परसुएसिव प्रेजेंटेशन इन फ्यूचर. कितने लोग हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश में कंफर्टेबल है? कितने लोग हैं जो बाइलिंगुअली कंफर्टेबल हैं? और कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ हिंदी समझ सकते हैं? ओके, यहां आपको थोड़ा सा कष्ट होगा क्योंकि सारी प्रेजेंटेशन जो है वो इंग्लिश में है, और जब मैं आऊंगा टेक्निकल डिटेल्स में अबाउट विजुअल्स देन आई विल टेल यू व्हाई इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू मेक हिंदी प्रेजेंटेशंस. लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद साथ साथ करता रहूं. फर्स्ट स्लाइड प्लीज. थैंक यू. ओके, आई हैव नेम्ड माई प्रेजेंटेशन एज परसुएसिव प्रेजेंटेशंस. प्रेजेंटेशंस कई हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि किस तरह से हमारी प्रेजेंटेशन हो कि वो व्यक्ति जिसे हम एक मैसेज देना चाहते हैं वो परसुएड हो जाए, वो हमारे थिंकिंग पर कुछ समय के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाए, और जब वो सोचेगा उसके बारे में हो सकता है वो उससे एग्री करे, हो सकता है वो उससे एग्री ना करे. लेकिन अगर एग्री नहीं भी करेगा तो प्रश्न उठेंगे, और जब वो प्रश्न उठते हैं तो बाद में उसके बारे में डिस्कशन हो सकती है. नेक्स्ट वन प्लीज. नाउ माय प्रेजेंटेशन टुडे इज फॉर दोज हु फाइंड दीज आर द डिफरेंट पीपल हु आई थिंक मे बेनिफिट फ्रॉम टुडेज प्रेजेंटेशन, जो कि प्रेजेंटेशन देना ही नहीं चाहते, या जब वो प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं तो आमतौर पर बहुत घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं. आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू हेयर. आज से करीबन 30 वर्ष पहले, जब मैं 15-16 साल का था, मैं 2 या 3 व्यक्तियों के सामने नहीं बोल पाता था. आई यूज टू गेट अवे फ्रॉम अ रूम वेयर देर यूज टू बी इवन अ फैमिली क्राउड, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई सेड नो, आई नीड टू चेंज, and I started working upon myself. And now, with God's grace, there have been presentations where I have addressed even about 7,000 to 10,000 people, prolonged even technical presentation with more than 1,000 people. So I think ये कहना कि कुछ लोगों की skill होती है, जरूर होती है, कुछ लोगों को भावा से वरदान मिला होता है. गिरीश भाई को मिला हुआ है, लेकिन मुझे नहीं मिला था, तो मैंने कोशिश की कि उसके बारे में कुछ किया जाए. एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस हियर हु वांट टू मेक अ चेंज कैन डू दैट एट एनी स्टेज. यहां ये प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए है कि जो एक 1-to-1 1-week कोर्स में, या एक हॉल फुल हो जैसा कि अब है, उसमें अपने जो ऑडियंस है उनके अटेंशन को नहीं संभाल पाते, उनकी ऑडियंस बोर होनी शुरू हो जाती है. अगर बीके ऑडियंस है तो शायद थोड़ा कम शो करे, बाकी ऑडियंस है तो उठ के बाहर चली जाए या आवासी लेनी शुरू कर दे. सो यू हैव टू बी सीइंग व्हाट द ऑडियंस इज बिहेविंग लाइक. जिनको कि कई बार इक्विपमेंट संभालना नहीं आता, प्रोजेक्टर्स हो, स्लाइड प्रोजेक्टर्स हो, टीवी और वीडियो सिस्टम्स हो, और आमतौर पर हम लोग फंबल करते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि सही
विजुअल्स क्या हैं, उन विजुअल्स को यूज कैसे करें, हाउ टू इंटरैक्ट विद द विजुअल्स। एंड जो विजुअल्स जो कि एक मैंने वहां पे आपको दिखाया था, इतना गंदा बना हो कि थोड़ी देर के बाद या आप ही नहीं चाहें कि उसको प्रेजेंट करना, ऑडियंस तो उसे एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। एंड देन यू आर कॉम्पिटेंट बट यू वॉन्ट टू बी बेटर। आई फील कि आप में से सबसे ज्यादा लोग शायद इस कैटेगरी में आएंगे कि आप लोग कॉम्पिटेंट हैं, आप लोग चाहे वो होलिस्टिक हेल्थ फेयर हो, चाहे छोटी ऑडियंस हो, उसके साथ इंटरेक्ट करते रहें, लेकिन चाहते हैं कि उसका स्कोप हो, दैट यू कैन मेक चेंजेस टूवर्ड्स बेटरमेंट। नेक्स्ट वन प्लीज। नाउ दीज आर सम थिंग्स विच नीड टू बी प्लान्ड। आप एंड ऑफ प्रेजेंटेशन तक क्या मैसेज देना चाहते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स वी थिंक कि अच्छा आज परसुएसिव प्रेजेंटेशन है, चलो जाके थोड़ी देर के लिए बोलाएंगे। दैट शुड नॉट बी द केस। अगर आप एक व्यक्ति के साथ वन टू वन वन वीक कोर्स भी कर रहे हैं, तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि इसके बाद उस व्यक्ति में या तो ये ज्ञान आ जाए या इस तरह के चेंजेस आ जाए, या मैं जो अपना मैसेज देना चाहता हूं वो उस तक इस रूप में दे पाऊं। ओनली देन वुड यू बी एबल टू नो वेदर वॉट यू हैव डन हैज बेनिफिटेड द अदर पर्सन और नॉट, बिकॉज ईच प्रेजेंटेशन इज अबाउट बेनिफिटिंग योर ऑडियंस। द स्टोरी यू आर गोइंग टू टेल, एज आई वॉज सेइंग इन द मॉर्निंग कि दादी ने एक पर्सनल स्टोरी सुनाई। बाबा की मुरली जब होती है तो उसमें एक शुरू में प्रश्न होता और एंड में सार होता, बीच में एक बहुत लंबी स्टोरी हो जाती है। हर प्रेजेंटेशन एक स्टोरी है। कल उषा बहन कह रही थी कि हर चीज को विजुलाइज करें। अगर सिर्फ फैक्ट्स हैं लेकिन उसकी कोई बिगनिंग, कोई मिडिल, कोई एंड नहीं है, और एंड तक आपने कोई उनको एक स्टोरी के रूप में बात नहीं दी, देन इट इज गोइंग टू बी फैक्ट्स विच पीपल आर गोइंग टू फॉरगेट। सो आई थिंक यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि किस तरह की आप मैसेज किस रूप में, स्टोरी के रूप में दे रहे हैं। द रूम वेयर यू विल गिव द प्रेजेंटेशन। माई एक्सपीरियंस इज नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी। अगर आपके बीके भाई बहन भी हैं, नेवर नेवर ट्रस्ट एनीथिंग। आप जहां जा रहे हैं वहां पे किस प्रकार की व्यवस्था है, लाइट्स कैसी हैं, पीछे से अगर लाइट आ रही है तो उस पर पर्दे लगे हैं या नहीं लगे हैं, आपका ये ऑडियो इक्विपमेंट कैसा है, वगैरह वगैरह। ये जो हर पॉइंट है इसको हम विस्तार में जाएंगे, बट दीज आर द बेसिक एरियाज दैट वी नीड टू लुक इन टू। हु विल बी लिसनिंग एंड वॉचिंग यू? यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट योर ऑडियंस। कितने लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं, क्या उनका प्रोफेशन है, क्या आपकी प्रेजेंटेशन से वो चाहते हैं। द विजुअल्स यू विल यूज, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड मोस्ट ऑफ अस डू नॉट ट्राई टू थिंक अबाउट इट। हाउ एंड वेन विल द विजुअल्स बी क्रिएटेड? कौन करेगा? मैं अपने सेक्रेटरी को दे दूंगा, वो उसको कहूंगा टाइप कर दो और मेरे पास भेज दो। मेनी ए टाइम्स आई हैव हैड द एक्सपीरियंस कि डिस्पाइट माई सेक्रेटेरियल स्टाफ being very very nice, excellent in trying to work out the visuals, lekin jab main pahunchta hu to jo crucial slide hai wo missing hoti hai. Phir kya hota hai ki hum bhag daud ke girish bhai ko request karke, prem bhai ki jo resources hai unki madad lekar ek aur ohp slide kahin se jo khali hai wo le lete hain और उसके ऊपर फिर वो पॉइंट्स लिख देते हैं। फिर क्या होता है कि जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो उस समय में बाकी सारी तो टाइप्ड हैं, लेकिन एक हाथ से लिखी हुई है और सबको स्टोरी पता लग जाती है। सो आई थिंक द एंटायर थिंग इज अबाउट प्लानिंग। एंड द लास्ट, व्हाट इक्विपमेंट विल यू नीड? माधव भाई को बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे? माधव भाई यहां टाइम पे पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? ओएचपी प्रेजेंटेशन होगी तो कैसे होगी? कौन लेके आएगा और उसको हमने किस प्रकार से यूज करना? वी विल गो इन टू, देर आर फोर टाइप्स ऑफ एट द मोमेंट यहां पे इक्विपमेंट विच इज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ विजुअल्स दैट वी कैन यूज। हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द स्लाइड्स, हाउ वी आर गोइंग टू यूज देम, वी विल गो इन टू ऑल द डिटेल्स।
नेक्स्ट वन प्लीज. व्हेन वी स्टार्ट, जब मुझे हुक्म मिला कि मुझे यहां पे प्रेजेंटेशन करनी है, तो मेरी बुद्धि में चलना शुरू होता है कि मैंने क्या बात करनी है. नाउ दैट इज द फर्स्ट, बीज वहां से शुरू होता. व्हाट इज द मैसेज यू आर गोइंग टू गिव. उसके लिए प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट, राइट अ लिस्ट ऑफ की पॉइंट्स एंड व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स जस्ट नाउ दैट वी स्पोक अबाउट, कि आप एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन पे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं. जैसा प्रेम भाई ने कहा, हम सब लोग अलग अलग हैं. मेरी प्रेजेंटेशन का स्टाइल अभी गिरीश भाई प्रेजेंटेशन करने वाले हैं उनसे अलग होगा. मैसेज आप तक अलग रोड से पहुंचेगा. एंड प्लीज ट्राई नॉट टू एट ऑल फॉलो समबडी एल्सेस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग. आई हैव फाउंड कि अगर आपको जोक सुनाने की बहुत ज्यादा आदत नहीं है और आप चार पांच जोक्स अपनी प्रेजेंटेशन के लिए पढ़ के आ जाते हैं और उसके बाद आप जोक प्रेजेंट करते हैं और खुद ही हंसते हैं और ऑडियंस नहीं हंसती, नो पॉइंट, डोंट डू इट. अगर आप सीरियस तरह के व्यक्ति हैं, यू कैन हैंडल योर प्रेजेंटेशन डिफरेंटली. सो फॉलो योर ओन स्टाइल, मेक अ नोट ऑफ एवरी पॉइंट विच यू थिंक इज रेलिवेंट एंड देन वन बाय वन जो अननेसेसरी पॉइंट्स हैं उनको निकालते जाइए. मेक अ गुड स्टोरी. जब आपके पॉइंट्स हो जाए, देन वी हैव टू स्टार्ट थिंक हाउ द प्रेजेंटेशन हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ वेरी गुड स्टोरी. ऑल्सो एज फार एज पॉसिबल उस स्टोरी में अगर आप कुछ पर्सनल रेफरेंसेज लें ताकि ऑडियंस को पता लगे कि यह स्टोरी किसके द्वारा आ रही है. अगर मैं बाबा के शुरू के समय की एक एग्जाम्पल्स आपको देना शुरू करूं और मैं उस समय था नहीं या मैं ज्ञान में सिर्फ हफ्ते से आया था, उसका कोई महत्व नहीं होने वाला आपके लिए. लेकिन दादी को कहने की जरूरत ही नहीं है कि बाबा उस समय में क्या करते थे. एवरीबडी नोज हर कनेक्शन विद ब्रह्मा बाबा. सो आई थिंक व्हेन यू से कि मैं ये हूं, मैं इस तरह से इन पॉइंट्स को आपके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा हूं, देन दैट पर्सनल रेफरेंस गिव्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू व्हाट यू आर सेइंग. मेक श्योर यू हैव अ बिगनिंग मिडिल एंड एंड. एज आई सेड कि एक अच्छी स्टोरी के लिए यू मस्ट सी कि कहां से शुरू करना है, क्या पॉइंट्स लेने हैं और फिर एंड में कैसे जाना है. नेक्स्ट वन प्लीज. वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग. All these points can be provided to you if you so feel, but let us just see how we will build this story. I think what I'm trying to do is tell you a story from my personal experience, and I would like your comments or your suggestions as to how we can make this story differently. Begin with a headline or some other attention grabbing sentence. This is what I tried to do. When I tried to do something which was totally opposite of a good presentation, what it can be like, I was trying to grab your attention. Jo yahan pe thoda sa unsettled atmosphere tha, us atmosphere mein se aapne dekhna shuru kiya, aapke man ke andar kuch vichar aane shuru hue, kisi ne kaha focus theek nahi hai, kisi ne kuch kaha, sabki attention us par divert hui. Jab aapki attention divert hui, उस अटेंशन को फिर अपने साथ लेके चलना बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है. व्हाट आई फाउंड इज कि कई अच्छे स्पीकर्स मे स्टार्ट विथ समथिंग वेरी वेरी ड्रामेटिक. आई रिमेम्बर अ पर्सन हु सेड ही वॉज मेकिंग अ प्रेजेंटेशन अबाउट समथिंग एज सिंपल एज सोलर. ही सेड टुडे इज द डेथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नाउ कम सोलर. एक बहुत आसान से कॉन्सेप्ट को उसने डेथ के साथ जैसे ही कनेक्ट किया, लोगों ने कहा डेथ किसका, एंड द अटेंशन इज ग्रैब्ड, एंड देन यू कैन कैरी ऑन विद द स्टोरी. एज ए सेड कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, यू कैन डेवलप योर स्टोरी विद सपोर्टिंग फैक्ट्स, फिगर्स, प्रॉब्लम्स एंड एज दे वर ओवरकम एंड सो ऑन. I have found that at least for medical presentations, it's always very important to have facts and figures,
and to have the sources that you have taken them from. Nothing wrong in saying ki falan journal mein falan samay par us vyakti ne ye kaam kiya. Many a times that only adds value to your presentation because it means ki aap sirf experiential baat nahi kar rahe hain, aapne kuch padhne ki, kuch research karne ki koshish ki. Spread your key priorities area over the whole presentation, not too many at once. Many a times, लोगों की एक घंटे की अगर प्रेजेंटेशन है तो शुरू में वो हाथी जैसे बहुत हैवी हो जाएंगे, बहुत सारे फिगर्स दे देंगे और उसके बाद में बहुत ऑर्डिनरी सी प्रेजेंटेशन, तो लोगों की शुरू में अटेंशन ग्रैब हुई, उसके बाद गायब. सो द एंटायर थिंग शुड बी वेरी इवनली स्प्रेड एंड बाय समराइजिंग द की पॉइंट्स मेड एंड यू मे से दैट द की मैसेज टुडे इज, या आज हमने ये सीखा, या इसके बारे में आज हमने ये बात की, इसके बारे में आगे ये बात कर सकते हैं. सो एट द एंड ऑफ इट यू मस्ट हैव अ कंक्लूजन और अ समरी. नेक्स्ट वन प्लीज. बीच में किसी को नींद आए तो लास्ट चेयर पे जाके सो सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स. हाउ डू यू अंडरस्टैंड द ऑडियंस? फर्स्ट, हु विल बी देयर? कौन लोग हैं? बीकेज हैं, नॉन बीकेज हैं, किस लेवल के लोग हैं, किस प्रकार की उनकी बुद्धि को आपको टच करना है, वो आपसे मिलना चाहते हैं और वर दे फोर्स टू अटेंड? प्रेम भाई ने रात को फरमान भेज दिया कि सब पहुंच जाएं, या आपकी अपनी इच्छा थी कि आप यहां सुबह आए? बिकॉज मेनी टाइम्स आई फाउंड दैट पीपल हु कम फॉर योर प्रेजेंटेशन because their friend is also going, will not be giving much interest to your presentation. Lekin agar unko khud aapki presentation mein interest hai, then you will have a very captive audience. Incidentally, let me tell you ki depending on the kind of audience that you have, you can change your presentations. You can grab their attention differently, but only if you know. Once I found that I went to a presentation, I was speaking और मैंने बहुत technical चीजें, thinking that this was a medical audience, शुरू की. बाद में पता लगा कि nurses ने वहां की, जिसमें कि सिर्फ 5 nurses थी और करीबन 100 patients और उनके जो relatives थे उनको बुलाया हुआ था. I was not told this fact. I was told that you are going to a hospital and you are going to talk to a medical fraternity. So, many, as you know from this study, as you know from that study, as you would be aware that diabetes causes this, many, ye sab karke 40-45 minute ke baad ye sab jab ho gaya, to kisi ne mujhse pucha, doctor sahab, what is diabetes? So, tab mujhe samajh aaya ki jo main expect kiya tha और जो मुझे मिला था उसमें बिल्कुल फर्क था. सो इट इज वर्थ वाइल टू एक्सप्लोर विद द पीपल यू आर गोइंग टू प्रेजेंट विद कि ऑडियंस क्या है, उनकी क्या लेवल है, व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट इज देयर लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, आर दे डिसीजन मेकर्स और विल दे बी परसुएडिंग समबडी एल्स, व्हाट विल दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, उनको क्या कह के बुलाया गया है कि आप उनको लेक्चर देने वाले हैं, या उनको ये कह के बुलाया गया है कि आज के बाद आपकी डिजीज के बारे में कोई बहुत नए तरह का ट्रीटमेंट होने वाला है. यू सी देयर एक्सपेक्टेशन चेंजेस. जब आप सिर्फ एक लेक्चर सुनने के लिए जाते हैं और उसके बाद भोजन होता है तो आप उसी हिसाब से आते हैं, और अगर कोई कहता है कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, एक बहुत बड़े एक्सपर्ट आए हैं जो कि नए तरीके से आपको आपकी बीमारी का इलाज बताएंगे, their expectation is totally different. So how have they come? What do they already know, as I said just now? Will they all understand you? How technical can you or should you be, as I just said? Are they likely to ask question? BKs hain to puchenge. Nahi hai, to kis tarah ke log hain? Because many a times I have seen a good presentation followed by a very bad question answer session. Can leave a very bitter taste in the mouth of people. मैं आमतौर पे, you will not believe it, ये चीज religious organizations में देखी,
स्वामी जी आए। स्वामी जी ने 45 मिनट का आत्मा परमात्मा के ऊपर बहुत बढ़िया भाषण दिया। उसके बाद किसी ने स्वामी जी से उठ के कहा, स्वामी जी क्रोध को कैसे कंट्रोल करें? और स्वामी जी ने एकदम क्रोध में आके कहा कि मुझे क्यों तंग करता है, मुझे अभी जाना है। स्वामी जी की सारी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई। द वे ही हैंडल्ड वन क्वेश्चन वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वे दैट ही गेव द प्रेजेंटेशन। सो आई थिंक वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉट वी आर गोइंग टू डू व्हेन द क्वेश्चंस कम। नेक्स्ट वन प्लीज। नाउ हाउ डू यू प्लान दिस? सबसे पहला, परसुएड योर सेल्फ दैट इट इज वर्थ गिविंग। अगर मुझे कहा जाए कि साहब आके आप इन लोगों से बात कीजिए, और मेरे मन में है कि यार मेरा मूड तो बिल्कुल नहीं है, बाबा से मिलने के बाद मैं तो शांति में जाना चाहता हूं, प्रेम भाई कहते हैं नहीं आधे घंटे के लिए, मैं कहता हूं अच्छा ठीक है यार, जब भी मूड करेगा जाके थोड़ा सा बता दूंगा। आई विल नॉट बी गिविंग यू वॉट आई कैन इफ आई एम नॉट मोटिवेटेड। एंड स्पेशली फॉर मेनी पीपल जिनको कि बुला लिया जाता है और वो चले जाते हैं, मन नहीं होता। दीदी ने कहा कि जी एक मीटिंग है, डॉक्टर साहब आप आइए। डॉक्टर साहब कहते हैं यार दो केस छोड़ के सर्जरी के जा रहा हूं, चलो कहा है तो जाना ही पड़ेगा। तो वो उस मन से जाते हैं, और जब वो उस मन से जाते हैं तो वही डिलीवर करके आते हैं। सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज, इफ यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन, चाहे वो एक व्यक्ति से हो चाहे वो 1000 से हो, बी वेरी वेरी डेफिनेट कि आप वो करना चाहते हैं। लिस्ट योर की ऑब्जेक्टिव्स एज आई सेड, प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट एज आई सेड, स्ट्रक्चर इट एज आई सेड, हैविंग अ बिगनिंग एंड 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 एंडिंग इट विद अ की ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन प्लीज। एज आई सेड, डिवाइस सम वे ऑफ टेलिंग द ऑडियंस अबाउट यू, डिसाइड एज अर्ली एज पॉसिबल। नाउ मेनी अ टाइम्स पीपल मेक द प्लानिंग फॉर अ प्रेजेंटेशन, वेट टिल द लास्ट डे, एंड देन दे सडनली थिंक यार पावर पॉइंट बहुत अच्छा होता, पावर पॉइंट पे कंप्यूटर भी मेरे पास पेंटियम 3 है ही, तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते, चेक नहीं किया कि वहां पे क्या मिलेगा। और जब गए तो पता लगा कि दीदी जो है वो एक छोटे से विलेज में आपको लेके चली गई, वहां पे पावर पॉइंट क्या, आपके पास ब्लैक बोर्ड भी नहीं है। एंड सडनली जितना कुछ आपने प्लान किया था सारा कुछ आपकी सीडी में। सो आई थिंक यू मस्ट प्लान व्हाट वुड यू बी डूइंग एज फार एज योर विजुअल्स आर कंसर्न। फाइंड आउट वेयर द प्रेजेंटेशन वुड बी हेल्ड एज अ सेड जस्ट नाउ, फाइंड आउट ऑल यू कैन अबाउट हु विल बी अटेंडिंग एंड रिहर्स द प्रेजेंटेशन। Now this is one point we will come to a little later. Rehearsing the presentation. Next one please. This is the research which has been done as far as the motivation of people is concerned. From a presentation 50% comes from what you see. Jo aap dekhte hain uska jo visual impact hai usme se kareeban 50% at least the headings लोग अपने मन में घर ले जाते हैं। बिटवीन 30-40% फ्रॉम व्हाट दे हियर, अगर आप उन्हीं की भाषा में बोल रहे हैं तो 30-40% लोग उस मैसेज को भी ले जाएंगे, एंड ओनली 10% फ्रॉम द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द टॉक। सो यू मे बी मेकिंग अ प्रेजेंटेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेकिन आपके पास विजुअल्स नहीं है, आप ठीक तरह से उसको डिलीवर नहीं कर पाए, तो लोगों के मन में कुछ वेग पॉइंट्स रह जाएंगे। कुछ आत्मा कुछ परमात्मा के बारे में बात हुई, क्या हुई पता नहीं, आत्मा की क्या प्रॉपर्टीज है पता नहीं, परमात्मा कौन है पता नहीं, बस थोड़ा सा इतना सा याद रह जाएगा। दिस इज वन। द सेकेंड इज, एंड आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, जब लोग मोटिवेटेड होते हैं और उस समय जो वो मैसेज लेके जाते हैं compared to those who are not motivated, there could be as much as 70-80% difference. वो व्यक्ति जिसकी पूरी concentration पूरे मन के साथ एक presentation पर है,
with good presentation, good visuals, good delivery, 70-80% message can be sent, at least for the first few days. लेकिन वो व्यक्ति जो कि unmotivated है, उसको शायद आप 10% भी नहीं दे पाएंगे. That's why it is very important to hold the audience, to hold their ability to concentrate on what you are saying, what you are showing. Next one. विजुअल एड्स, इनके बारे में हम काफी बात कर रहे थे जब तक. इट गिव्स पीपल समथिंग एल्स टू लुक एट अदर देन यू. आपको लगे कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, अच्छे कपड़े डाले आज, मेरी विजुअल अपील बहुत अच्छी है, तो मैं ऑडियंस को होल्ड कर लूंगा. सॉरी, कुछ समय के बाद लोग आपसे ऊब जाते हैं. दे वॉन्ट समथिंग एल्स. A means of summarizing a complex idea after the talk. Light relief from concentrating only on a voice. As we all know, ki brain ke alag alag hisse alag alag kaam karte hain, aur jo sunne ka hissa hai, shravan shakti ka hissa, aur jo dekhne ka hissa hai, wo alag alag hai. And that is why it is advised कि एक तरह के काम के बाद आप उसे ब्रेक देके दूसरे तरह का काम कीजिए, ताकि वो हिस्सा ज्यादा थक ना जाए. तो बीच बीच में जब लोग सुन रहे हैं और जब लोग देख रहे हैं, तो वो अलग अलग हिस्से कोऑर्डिनेट भी हो रहे हैं और अलग अलग हिस्से पे कंसंट्रेशन आ रही है, तो वो एक हिस्सा ज्यादा थकेगा नहीं. बेटर चांस ऑफ विजुअलाइजिंग ऑन एन आर्ग्यूमेंट, प्रॉब्लम और अ सोल्यूशन. आई डोंट नो आप में से कितनों ने कभी मैथमेटिक्स जिंदगी में किया हो, लेकिन अलजेब्रा को आप बोल के एक्सप्लेन कीजिए, या ट्रिग्नोमेट्री को बोल के एक्सप्लेन कीजिए, और उसी की अगर आप एक ड्राइंग बना दीजिए, इट इज राइट देयर. या एक कॉन्सेप्ट को आप बोले कि साहब हमने 50% लोगों में देखा कि उनकी बुद्धि में ये गया और 30% में ये गया और 10% में ये गया. इसी को अगर एक स्लाइड बना के दे दें जिसमें कि अलग अलग ग्राफ के ऊपर पैटर्न हो, देन द मैसेज गोज होम मच बेटर. अनदर सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन, कलर्स एंड इमेजेस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन प्लीज. दे ऑल्सो हेल्प यू, जो कि प्रेजेंट कर रहा है, जो कि आप जब प्रेजेंट करेंगे, तो जब आपके पास विजुअल एड होगा, दे रिमाइंड यू वेयर यू आर इन द प्रेजेंटेशन. आप कितना बढ़ गए, कितना बाकी रह गया. बिकॉज इफ यू हैव रिहर्स, तो आपको पता है कि अगर ये मेरी 15वीं स्लाइड है, मेरे पास 25 स्लाइड है, तो करीबन 60% प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है. एनकरेजिंग यू टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन मोर थॉरली. जब विजुअल्स बनाने बैठते हैं, मुझे अपना तो जरूर मालूम है, तो उस समय सही टेस्टिंग होती है. जब पॉइंट्स लिखते हैं तो सोचते हैं बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है, फिर उसको जो विजुअल फॉर्म में डालना पड़ता, उसके सेंटेंस बनाने पड़ते, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यही जब बोलना होगा तो मुश्किल होगी, एंड देन यू थिंक मोर. सो विजुअल्स ऑल्सो हेल्प यू इन मेकिंग द प्रेजेंटेशन बेटर, मेकिंग योर एक्सपीरियंस मोर वैरिड एंड इंटरेस्टिंग, एंड गिविंग अ चांस टू ब्रेक फ्री फ्रॉम योर नोट्स एंड मेक कॉन्टेक्ट विद द ऑडियंस. एक विजुअल जो है उसको अपने हाथ में भी रख सकते हैं. मैंने गिरीश भाई को कई बार देखा है, छोटे छोटे कार्ड्स के ऊपर आप लिख के, वो एक विजुअल का भी काम आपके लिए कर सकता है, लेकिन ऑडियंस को नहीं पता लगता कि वो विजुअल है. सो दैट कैन बी ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एड. नेक्स्ट वन प्लीज. नाउ व्हाट कैन पुअरली डिजाइंड विजुअल्स डू. क्लासिकल एग्जाम्पल्स जो कि आमतौर पर लोग जिसमें गलतियां करते हैं. आई एम क्लियर टू दिस साइड, मैं बीच में तो नहीं आ रहा हूं आपके, आप देख पा रहे हैं? ओके. डेंस पैराग्राफ्स ऑफ बैडली फोटोकॉपीड टेक्स्ट. क्या होता है, आपने किताब में एक बहुत अच्छा विजुअल देखा, आपने सोचा इसको बनाने के लिए कौन कष्ट करे, तो उसी को जाके आप ओवरहेड प्रोजेक्टर के ऊपर वो टेक्स्ट को फोटोकॉपी कर लेते हो. अब पढ़ने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब यहां पे पहुंचते हैं और वहां पे करते हैं और लास्ट ऑडियंस ने देखना, कुछ नहीं पता लगेगा. आई विल टेल यू कि उसको कैसे चेंज करना है. फेडिंग व्हाइट बोर्ड मार्कर्स दैट कैन नॉट रीड. आई रिमेंबर अबाउट 3 months बैक, वी वर इन आगरा, और वहां पर वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ सोशल साइकेट्री की
एनुअल मीटिंग चल रही थी, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ सोशल साइकेट्री, जो कि अलग अलग देशों में जाती है। भारत का करीबन 10-12 साल के बाद उसका नंबर आया, और वहां के बेस्ट होटल जेपी होटल, जहां पे कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ठहरे थे आगरा समिट के वक्त, वहां पर मीटिंग चल रही थी। वहां पर आई वॉज चेयरिंग अ सेशन, तो एक प्रेजेंटर को 15 मिनट मिले, उसने करीबन 14 मिनट अपने विजुअल्स को ठीक करने में लगा दिया, और गलती उस बेचारे की भी नहीं थी। हुआ यूं कि जो स्लाइड वो लेके आए थे पावर पॉइंट पे, तो उस समय वो जो प्रेजेंट करने वाला था, जिसके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी, वो गायब हो गए। लंच का टाइम था तो वो पहुंचे नहीं। अब उनके पास बैकअप ओएचपी नहीं था, प्रेजेंटेशन नहीं थी उनके पास, स्लाइड्स नहीं थी, तो उन्होंने जाके व्हाइट बोर्ड पे लिखने की कोशिश की, और क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी पड़ा था, ओआरएचपी भी पड़ा था, तो व्हाइट बोर्ड को कौन पूछता है, तो पेन ही नहीं थे, तो किसी को भगाया गया कि साहब होटल में से ढूंढो पेन कहां है। तो पेन ढूंढने गया, जब तक भाई 10-12 मिनट हो गए, वो आ गया, आके अच्छा पेन भी उसको मिल गए, उसने लिखना भी शुरू कर दिया, पता लगा कि वो जो डस्टर होता है वो डस्टर नहीं है, क्योंकि वो चीज कभी सालों में यूज ही नहीं हुई है। और जब उसने वो करने की कोशिश की तो 14 मिनट खत्म हो रहा था। 1 मिनट लेटर आई टोल्ड देम सॉरी आई कैन नॉट अलाउ यू मोर टाइम बिकॉज इट वॉज अ नेक टू नेक कॉन्फ्रेंस। गलती सबकी थी, गलती जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनकी भी थी, होटल की भी थी, पर मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती प्रेजेंटर की थी। उसे आके ये चेक कर लेना चाहिए था कि या तो वो व्यक्ति जो कि उसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने वाला है वो वहां पर है, अगर नहीं है तो उसके पास बैकअप क्या है। एंड आई सी मेनी अ टाइम्स कि ये जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं ये प्रॉब्लम देती हैं। आउट ऑफ फोकस स्लाइड्स और वन दैट डोंट सीम टू हैव एनी रेलेवेंस टू द टॉक, जैसे कि मैंने आपको शुरू में एक ओएचपी की स्लाइड दिखाई अपनी बनाई हुई, स्लाइड्स और ट्रांसपेरेंसीज फिल्ड विद लॉट ऑफ फैक्ट्स फिगर्स और टेक्स्ट। कई बार हम इन चीजों में पैसा बचाने की कोशिश करते हैं कि चलो 2-3 स्लाइड्स को इकट्ठा कर देते हैं, या 2-3 ओएचपीज के ऊपर इकट्ठी हम फोटोकॉपी करवा लेते हैं, 15-20 ही लोग होंगे, क्या फर्क पड़ता। बट देन व्हाट हैपेंस इज कि वो इतना ज्यादा मटेरियल होता है कि आप एक ही स्लाइड पे अटके हुए हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, तो लोग आपके साथ लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंटेशन को भूल जाते हैं, मैसेज इज लॉस्ट सारे के सारे। ये बड़ी बात होती है कि लोगों की सिंपथी आपके साथ बहुत बढ़ जाती है कि साहब बेचारा प्रेजेंटेशन करने आया उसकी स्लाइड नहीं चल रही, लेकिन आप सिंपथी लेने नहीं आए वहां पे, आप वहां पे एक प्रेजेंटेशन करने आया। सो आई थिंक इट इज योर प्रॉब्लम टू सी दैट एवरीथिंग गोज स्मूथली। बैडली डिजाइंड विजुअल्स दैट मेक यू एंड योर सर्विस लुक इमैच्योर, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार हम जिस तरह से कहते हैं ना कि बैच बहुत अच्छा होना चाहिए, वाइट ड्रेस जो है वो बिल्कुल प्रिम प्रॉपर धुली हुई हो, चाहे दो हो, उसी तरह से चाहे आपके पास दो विजुअल्स हो लेकिन अच्छे हो, लोगों को ये लगे कि आप जो भी कर रहे हैं वो एक तरह से आपके एम्बेसडर्स हैं, इन अ वे दे आर गिविंग अ मैसेज अबाउट यू कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, वॉट काइंड ऑफ सर्विस कैन यू प्रोवाइड। अगर आप बातें बहुत ऊंची कर रहे हैं और एक छोटी सी स्लाइड नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, देन द पीपल आर नॉट गोइंग टू बिलीव दैट यू विल बी एबल टू प्रोवाइड देम वॉट यू आर एक्चुअली सेइंग। एंड टू मच और टू लिटिल कलर, दिस इज समथिंग विच आई फाउंड विद बोथ ओएचपी एंड विद पावर पॉइंट। कई बार क्योंकि टेक्नोलॉजी अब है तो मैंने ओवरहेड प्रोजेक्टर्स में लोगों को देखा कि वो 6-6 तरह के कलर्स यूज करते हैं। जो हेडलाइंस है वो ब्लैक से डालेंगे, उसके बाद एक लाइन ब्लू में डालेंगे, फिर एक रेड में डालेंगे, उसके नीचे ऑरेंज के साथ उसको अंडरलाइन करेंगे। तो कलर्स तो बहुत हो गए लेकिन लोग कलर से ही डेजल हो जाते हैं, द मैसेज इज लॉस्ट। और व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट दैट यू हैव एट होम। नेक्स्ट वन प्लीज। ओके, वेरी ब्रीफली आई विल गो इनटू
इससे भी ज्यादा कुछ चीजें हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा. बेसिकली दीज आर द काइंड ऑफ विजुअल्स दैट कैन बी मेड, एंड लेट मी टेल यू, ईच वन इज एज गुड एज एनी अदर. डोंट थिंक कि साहब उन्होंने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की थी तो मेरी भी वैसी होनी चाहिए. नॉट नेसेसरी. वी आर रियलाइजिंग नाउ, हालांकि ज्यादा लोग अब पावर पॉइंट के ऊपर आना चाहते हैं, बट पावर पॉइंट कॉस्ट मनी. मान लीजिए आपके पास अपना इक्विपमेंट नहीं है तो बनवाने में तो आपको पैसा लगेगा ही, लेकिन उसको प्रोजेक्ट करने में अगर आपका अपना इक्विपमेंट नहीं है तो 5,000 से 7,000 रोज का खर्चा है. बाहर अगर आप एक दिन के लिए कंप्यूटर लैपटॉप प्लस एलसीडी प्रोजेक्टर लेंगे तो वो 5,000 से 7,000 रुपया है. वुड यू लाइक टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ अ मनी? इफ नॉट, यू कैन डू समथिंग वेरी सिमिलर एंड आई शो यू हाउ. दो तरह के विजुअल्स हैं, एक है लोटेक फ्लिप चार्ट, दूसरा है व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड प्रिंटेड नोट्स. दीज कैन बी यूज एज फ्लिप चार्ट. अगर एक छोटी ऑडियंस हो, 8-10 लोग बैठे हो, यहां बैठे हो, मैं अगर इसको इससे डबल साइज में करवा के टाइप करवा लूं या हाथ से भी लिख लूं, जैसे हमारे कई जो पोस्टर्स हैं वो फ्लिप चार्ट हैं, उनको कहीं भी ले जाइए, रोल कीजिए, कहीं भी ले जाइए, यहां पे लगाइए, लोगों को समझाइए, बदल दीजिए, वेरी इजी. व्हाइट बोर्ड, लेकिन व्हाइट बोर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो यू शुड हैव ऑल द कलर्स दैट आर अवेलेबल टू यू. प्लस जो उसका डस्टर है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू, इज डिफरेंट देन द डस्टर यूज फॉर अ ब्लैक बोर्ड. आई हैव हैड द एक्सपीरियंस वंस कि उन्होंने कहा, मैंने पूछा डस्टर है, उन्होंने कहा है, मैंने बाद में देखा वो ब्लैक बोर्ड वाला डस्टर पड़ा हुआ था व्हाइट बोर्ड के ऊपर. सो प्लीज चेक अप, दोनों का अलग है, लेकिन उसको पानी के साथ आप साफ कर सकते हैं. पेन्स यूज होते हैं, व्हाइट बोर्ड मालूम है बच्चों के साथ जो स्लेट होती है, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ व्हाइट ब्लैक बोर्ड. आई हैव फाउंड एट टाइम्स कि एक अगर आप रिमोट एरिया में जा रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, एक छोटे से बच्चे से कहो भैया अपनी स्लेट ले आओ, और उस स्लेट के ऊपर उसी के चौक से आप लिख सकते हैं. उसी तरह से ब्लैक बोर्ड्स दे कैन बी यूज. नेक्स्ट वन प्लीज. स्लाइड प्रोजेक्टर, जो कि 35 mm स्लाइड्स होती है. स्लाइड प्रोजेक्टर्स में स्लाइड बनवाने में भी पैसा लगता है, और अनलेस आप वो स्लाइड्स बार बार यूज कर रहे हैं, स्लाइड्स बनवाना फीजिबल नहीं है, अच्छा नहीं है, इट कॉस्ट मनी. प्लस उसको आप चेंज नहीं कर सकते. मोस्ट पीपल इंटरनेशनली नाउ आर गोइंग इन फॉर एन ओवरहेड प्रोजेक्टर. आई एम गोइंग टू कम टू ईच वन ऑफ देम. शायद मैं थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो रहा हूं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन चीजों के बारे में कभी बात नहीं होती है. सोचा जाता है कि सभी को मालूम है कि UHP क्या है, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है. आई थिंक आई विल गो इनटू दैट. वीडियो रिकॉर्डर, कहीं भी अपने पास कोई वीडियो है, वीडियो रिकॉर्डर. लेट मी जस्ट शेयर अनदर थिंग विद यू कि जो इंडिया में वीडियो बनते हैं और जो अब्रॉड बनते हैं, दोनों में फर्क है. जो घरों में यूज होते हैं और जो टेलीविजन पे यूज होते हैं, दोनों में फर्क है. टेलीविजन पे जो यूज होते हैं, पहले यूज होता था व्हाट वाज कॉल्ड एज यूमैटिक फॉर्मेट, उसके बाद आया बीटा कैम फॉर्मेट, एंड नाउ देयर इज अ डिजिटल फॉर्मेट. लेकिन जो हम घरों में यूज करते हैं उसे VHS कहते हैं. VHS में तीन प्रकार है, PAL, SICKIM, और जो कि अमेरिका में यूज होता है NTSC. इंडिया में जो यूज होता है वो PAL है. ज्यादातर जो वीडियो रिकॉर्डर्स आपको मिलेंगे आज की डेट में या नए खरीदेंगे, उसमें मल्टी फंक्शंस होते हैं. क्योंकि मैंने इसलिए बता रहा हूं कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा वीडियो लंदन वाले गिफ्ट देके चले गए, तो गिफ्ट उन्होंने दे दिया लेकिन वो चल रहा SICKIM में है, और अपने पास PAL का है. ऑस्ट्रेलिया वाले SICKIM यूज करते हैं, सो उसमें कई बार दिक्कत आ सकती है. सो यू कैन यूज दैट. उसके साथ टेलीविजन की जरूरत पड़ती है. माय एक्सपीरियंस इज कि अगर आपकी ऑडियंस 20 लोगों से ज्यादा है तो ऑर्डिनरी VCR और टेलीविजन को यूज नहीं कीजिए. पीछे वालों को नहीं दिखता, ऑडियो फट जाती है. अनलेस यू हैव अ वेरी हाईटेक
जैसा कि हमारे यहाँ पे सारे भवनों में लगा हुआ है। अगर वैसा नहीं है तो छोटी ऑडियंस को वीडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटराइज प्रोजेक्शंस जो कि हम अभी यूज कर रहे हैं, पावर पॉइंट एंड LCD प्रोजेक्टर, उसके बारे में मैंने आपको कहा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। अगर आपके पास एक बेसिक लैपटॉप और LCD प्रोजेक्टर है जो कि बहुत कॉस्ट करता है, आई कैन टेल यू कि इट रन्स इनटू लैक्स नाउ डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह का ले रहे हैं, तो अगर आपके पास है या आपको आसानी से मिल सकता है तो देन देयर इज नो लिमिट। फिर तो आप इतने अच्छे विजुअल्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनको बार बार चेंज भी कर सकते हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस, कई बार हम में से कुछ लोग हैं जो कि अब यूज करते हैं कि थोड़ी देर के लिए OHP यूज किया, थोड़ी देर के लिए यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने भी थोड़ी देर के लिए जैसे वो यूज किया, फिर उसको ये यूज किया। आई हैव ऑलवेज फाउंड कि OHP का बैकअप रखना इज अ मस्ट। अगर आप LCD विद अ पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं तो प्लीज हैव अ बैकअप ऑन OHP, इट ऑलवेज वर्क्स। अगर OHP भी नहीं है या लाइट चली गई और बैकअप नहीं है तो क्या करेंगे? देखिए, अगर आपने OHP बनाया है तो उसकी फोटोकॉपी भी होगी आपके पास, तो आपके पास बेसिक टेक्स्ट तो है। उस समय फिर आप उसको एज ए फ्लिप बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी ऑडियंस है तो उनको भी दिख सकता है, नहीं है तो आपके अपने रेफरेंस के लिए एटलीस्ट है। एंड लेट मी जस्ट से कि सूटेबल विजुअल्स हैं वो सिर्फ आपकी मैसेज को रीइन्फोर्स करने के लिए, वो आपके मैसेज को रिप्लेस करने के लिए नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि साहब एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आपने तैयार कर दी और आपकी डिलीवरी नहीं है, आप ऑडियंस को होल्ड नहीं कर रहे हैं, देन दिस हैज नो मीनिंग। दे आर टू हेल्प यू बट नॉट टू रिप्लेस यू। नेक्स्ट वन प्लीज। किस तरह के विजुअल्स किस तरह की टेक्नोलॉजी पर बेस्ट रहेंगे? बुलेट पॉइंट समरीज, स्लाइड या ओवरहेड प्रोजेक्टर। अगर आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी है कि आप एक एक दो दो सेंटेंसेस में पॉइंट लेके और फिर उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, जो कि मैंने गिरीश भाई, प्रेम भाई को आमतौर पे देखा, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर या LCD प्रोजेक्टर या स्लाइड्स भी। कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स या फोटोग्राफ्स हो तो स्लाइड प्रोजेक्टर इज द बेस्ट। लेकिन अगर आपके पास वो कंप्यूटर पर है देन यू कैन ऑल्सो यूज द ओवरहेड प्रोजेक्टर। चार्ट्स जो कि आप कोर्स ऑफ प्रेजेंटेशन पे कर सकते हैं, हेयर यू कैन यूज OHP एंड फ्लिप चार्ट। कई बार इंटरेक्टिव ऑडियंस होती है, आपने उन्हें 4 या 6 पॉइंट्स बताए, उसके बाद आपने पूछा अच्छा बताइए आपका इस बारे में क्या ख्याल है, तो आप वहां जाके लिख सकते हैं। या अगर आपके पास पेन है ओवरहेड प्रोजेक्टर के ट्रांसपेरेंसी के लिए तो आप वहीं पर पॉइंट लिख सकते हैं और वो जो स्टोरी है वो धीरे 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 वहीं पे डेवलप होनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसमें ऑडियंस जो है उसका फीडबैक भी रहता है, और क्योंकि ऑडियंस का फीडबैक है इस वजह से दे ऑल्सो फील अ पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। सो छोटी ऑडियंस के लिए या जहां पे कि जैसे अगले 3 दिन का ये प्रोग्राम है, इसके लिए ऑडियंस फीडबैक बिल्ट इन टू द प्रेजेंटेशन कैन बी अ वेरी वेरी यूजफुल मेथडोलॉजी। And listing the built up your audience feedback, OHP, flip chart, या whiteboard. Next one, please. Okay, किस तरह से वो वाले विजुअल एड बनाए जाए जो कि आपके लिए काम करते हैं? डिसाइड कि आपने क्या क्या पॉइंट लिखने हैं। जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट लिखा जाए, आप उसको सारी टेक्स्ट को ले सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, या आप उसे पॉइंट वाइज ले सकते हैं और धीरे धीरे उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। प्रैक्टिस एज ए सेट वॉट एवर यू आर गोइंग टू यूज एज एन इक्विपमेंट। अगर आप OHP यूज कर रहे हैं या फ्लिप चार्ट कर रहे हैं तो जितना भी हो सके इवेंट से पहले उसको प्रिपेयर करें, और अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो उसे OHP पे ना लिखें। मैंने एक बार ट्राई किया, आपने मेरी हैंडराइटिंग शायद किसी ने नहीं देखी है, मेरे टीचर्स तो खैर पढ़ ही नहीं सकते थे, मैं भी नहीं पढ़ सकता हूं, इट इज बैड। तो होता क्या है कि आपने लिखना शुरू किया, पीछे वाले कहते हैं थोड़ा सा लेजिबल प्लीज,
वो जैसे ही कहते हैं तो आपकी हार्ट रेट बढ़नी शुरू हो जाती है, तो आपका हाथ और हिलना शुरू हो जाता है, एंड बाय द एंड ऑफ इट इट इज मोर ऑफ अ प्रॉब्लम कि आप अपनी एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल करें। सो ओनली इफ यू आर वेरी वेरी रिलैक्स्ड या आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आप OHP पे चलते चलते लिखिए, अदरवाइज डोंट। नेक्स्ट वन प्लीज। एज ए सेड कि जितना हो सके उसे लगे लोगों को कि कितनी प्रोफेशनल है, और विजुअल्स कैन बी सीन इजिली फ्रॉम एवरीवेयर इन द रूम। आप पीछे वालों को विजुअल्स दिख रहे हैं? ओके। कई बार क्या होता है कि जैसे बाबा की तस्वीर है सेंटर में, तो सेंटर में हम इसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। यहां पे जो लोग बैठे हैं उनके लिए बहुत आसान है, तो मुश्किल कई बार क्या आती है कि जब ब्रेक होगी तो आगे पीछे वाले जो है वो समझ जाएंगे कि यहां पे बैठ के विजुअल्स बेस्ट दिखते हैं, तो यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, पता लगा कि गिरीश भाई ने उधर से विजुअल देने शुरू कर दिए। सो यू शुड बी राइट इन द बिगिनिंग थिंकिंग अबाउट द ऑडियंस। कोशिश करें कि आपकी विजुअल्स इतने बड़े हों, इतने ब्राइट हों, बाहर की लाइट इतनी कम हो, और इस तरह से प्रोजेक्ट किए जाए कि पीछे वालों को आइडिया मिल जाए। अगर किसी वजह से आइडिया नहीं मिल रहा, इट इज ऑलवेज बेटर टू टेल देम कि आप अगर नहीं देख पा रहे तो प्लीज पॉइंट आउट सो दैट आई विल स्पीक इट लाउडली। नहीं तो आपने उस ऑडियंस को खो दिया। डोंट यूज टू मेनी विजुअल्स। कई बार क्या होता है कि लोग 10-12 स्लाइड्स इकट्ठे देते हैं, उसके बाद मोनोलॉग में बोलना शुरू कर देते हैं, तो उधर हैवी हो जाता है विजुअल्स के साथ और बात की प्रेजेंटेशन आपकी हो जाती है अपनी वॉइस के साथ। हैव इट एट अ वेरी वेरी रेगुलर इंटरवल। व्हाट हैज बीन फाउंड इज कि करीबन 5 मिनट में एक विजुअल आए तो वो स्पीड अच्छी रहती है। बार बार कई लोग स्लाइड्स को दिखाने की कोशिश करते हैं, हर 20 से 25 सेकंड में स्लाइड को शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, दैट डज नॉट हेल्प। अवॉइड वेरी फैंसी टायरिंग और अनरीडेबल। मेरे सेक्रेटरी को बहुत शौक है कि वो हर बार मेरे लिए नई प्रेजेंटेशन बनाए, तो मेरा उसके साथ थोड़ा सा रस्साकशी का मैच चलता है बिफोर अ प्रेजेंटेशन इज फाइनलाइज्ड। ही शोज मी न्यू टाइप्स ऑफ टाइप फेसेस। ही सेज कि सर ये रोमन टाइप जो है ये बड़ा स्लैंटिंग आएगा, ये जो है ये इस तरह से आएगा कि ऊपर से छोटा होगा नीचे से बड़ा हो जाएगा। उसको अपने कंप्यूटर को देखने बड़ा फैंसी लगता, लेकिन ऑडियंस के लिए वो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता। आई हैव फाउंड स्टिक टू द बेसिक्स। वन बेसिक फॉन्ट, कीप यूजिंग इट। नो नीड टू एक्सपेरिमेंट विद दीज थिंग्स, क्योंकि ये चीजें वो हैं जो कि बाद में नहीं बदल सकती। कंप्यूटर करने वाले को तो एक कमांड देनी है एंड ही चेंजेस एवरी टाइप फेस, लेकिन पढ़ने वाले को अगर वो मुश्किल हो जाए तो उसका कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट वन प्लीज। ओके, एज आई सेड कि डोंट पुट टू मच टेक्स्ट ऑन वन पेज और स्लाइड। वन बेसिक रूल ऑफ थंब, 8 words पर लाइन एंड 8 lines पर पेज। उससे ज्यादा अगर है तो वो बहुत देर के लिए या तो स्लाइड रहेगी, या अगर उससे कम है तो स्लाइड बहुत जल्दी चेंज होती जाएगी। दिस इज द काइंड ऑफ अटेंशन स्पैन दैट मोस्ट पीपल हैव। ज्यादा से ज्यादा मैसेज जो है वो 2/3 ऑफ OHP ट्रांसपेरेंसी पे लिखिए। ये चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि जो आमतौर पे मार्केट में OHPs होते हैं उनका नीचे के कुछ प्रॉब्लम होती है, ऊपर वाले जो फोकसिंग है वो ज्यादा अच्छी रहती है, और इसीलिए आपको धीरे धीरे वो ऊपर ऊपर करते रहना पड़ता। बट अगर आपके ज्यादातर मैसेजेस ऊपर होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अनदर थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू इज कि पावर पॉइंट में अगर आप कभी भी प्रेजेंटेशन करें, बहुत ज्यादा फैंसी स्टाइल्स उसमें ना मारें। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस्ड कि अभी तक जो प्रेजेंटेशन हुई है उसमें मैंने 5-6 अलग अलग तरह के विजुअल्स डिजॉल्व्स डाले, स्पेशल इफेक्ट्स डाले। कभी स्लाइड इधर से आ रही है, कभी इधर से आ रही है,
कभी वो फ्लिप होके जा रही है, कभी वो मिट जाती है और नई वाली आ जाती है। सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको कि अलग अलग स्टाइल्स पॉसिबल हैं। लेकिन मान लीजिए मेरा कंप्यूटर जो है वो 1100 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा और इनका जो है वो 200 पे चल रहा, तो वो इतनी कम स्पीड से झटके से आएगा कि उसमें आपका विजुअल खराब हो जाएगा। सो दैट इज टू बी अवॉइडेड। मेनी अ टाइम्स आई हैव फाउंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टॉप ऑफ वन कंप्यूटर एंड अनदर। तो ऊपर वाला जो दो लाइनें हैं वो कई बार कट जाती हैं, और उस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उसको करीबन 25-30% से शुरू करें। अगर आप देख रहे होंगे कि वो जो लाइट है वो ऊपर तक जा रही है, लाइट जो है वो एक्चुअली यहां पर है लेकिन विजुअल यहां से शुरू हो रहा, ताकि थोड़ा सा गैप रहे। दिस इज जस्ट टू एंश्योर कि वहां पे आपको टेक्निकली कोई प्रॉब्लम ना है। नेक्स्ट वन प्लीज। हाउ डू यू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन? अगर आपकी वॉइस बहुत हल्की है तो ट्राई टू स्पीक लाउडली। अगर लोग सो रहे हैं तो उनको बीच बीच में जगाने की कोशिश कीजिए, बहुत जा गए हैं तो उन्हें थोड़ा शांत कर दीजिए। तो वो जो वॉइस मॉड्यूलेशन है उसके लिए बहुत जरूरी है। आई प्रैक्टिस्ड वॉइस मॉड्यूलेशन इन फ्रंट ऑफ अमेरा एज आई शेयर्ड विद यू इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन। आई कुड नॉट स्पीक टू टू पीपल। अगर बनारसी भाई थोड़ा जोर से बोलते तो मुझको पसीना आ जाया करता था। बनारसी भाई बोलते नहीं है जोर से, बट दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट हैपन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल। एंड द फर्स्ट थिंग दैट स्टार्ट्स हैपनिंग इज कि उनकी आवाज जो है वो भर्रानी शुरू हो जाती है। जैसे ही घबराहट होती है तो उनका गला जो है वो चोक करना शुरू कर जाता है। उनकी आवाज पहले से बीकेएस की सॉफ्ट होती है, वो और सॉफ्ट होनी शुरू हो जाती है। तो जो भाई है इधर वो माइक का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, उसमें इको आना शुरू हो जाता है। सो दीज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट हैपन। सिमिलरली आई फाउंड कि अगर आपका हाथ टेंशन की वजह से शेक करता है तो आप हैंड हेल्ड माइक नहीं लीजिए। सबको दिखेगा कि हाथ शेक कर रहा है, यूज एन एप्पल माइक। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करने की आदत है तो आप उसको नहीं यूज कीजिए, उसको थोड़ा नीचे लगाइए। अगर आप बहुत रेस्टलेस व्यक्ति हैं तो आप स्टैंड माइक को यूज नहीं कीजिए, क्योंकि फिर आपकी कबड्डी चलेगी। आप ऐसे ऐसे जा रहे हैं, माइक वहीं पे पड़ा हुआ। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। आपको ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप किसके अंदर कंफर्टेबल है। नेक्स्ट वन प्लीज। आई थिंक दिस इज द की। If you realize that an audience is not your enemy, making a presentation becomes much easier. The first few minutes are crucial. Audience will make up its mind whether to listen to you or switch off. I find ki kai baar hum ek audience ke paas jaate hain to sochte hain ki ab ye kya prashn puchenge. Dekho wo jo piche baithe hain na, wo meri taraf ghoor ke dekh rahe hain. Unhone baad mein kuch zarur problem deni hai. और आप जैसे ही वो करते हैं तो उनकी जो आंखें हैं, नयनों की पावर जो है वो और तेज हो जाती है। आप और थोड़ा विड्रॉ करते हैं। यू हैव टू रियलाइज दैट इफ पीपल हैव कम टू योर टॉक, दे आर हेयर फॉर अ पर्पस। वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, उनका आपसे किसी भी प्रकार का पर्सनल एनिमोसिटी नहीं है, अनलेस यू क्रिएट इट। एंड आई हैव फाउंड समटाइम्स पीपल डू दैट। यू नो I've been to certain presentations जहां पे कि लोग आते ही ऑडियंस से 8-10 मुश्किल प्रश्न पूछ देते हैं। आपको मालूम है आज के बारे में हम क्या बात करेंगे? आपने कभी प्रेजेंटेशन की है? आप इतने ऑडियंस को कैसे हैंडल करेंगे? आप जैसे ही ऐसे 10-12 अपने, ये तो नहीं कहूंगा दुश्मन, लेकिन कुछ लोगों को अगर अपने से दूर कर देते हैं तो फिर वो ऑडियंस होस्टाइल हो जाती है, फिर उस ऑडियंस की जो वाइब्रेशन है वो आप तक पहुंचती है। सो इफ दे आर देयर फॉर अ पर्पस, वो जो 1-1.5 घंटा है उसमें आप एक प्रेजेंटेशन करके यू कैन गेट द मैसेज अक्रॉस। सो डोंट थिंक ऑफ देम एज योर एडवर्सरीज। नेक्स्ट वन प्लीज। टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर लंच के बिल्कुल पहले का प्रेजेंटेशन है जब सबको भूख लगी है, या लंच के बिल्कुल बाद का प्रेजेंटेशन है, या गिरीश भाई के बिल्कुल बाद का प्रेजेंटेशन है, तो बच के रहिए।
बिकॉज देन द ऑडियंस इज इन अ डिफरेंट मूड. अगर बहुत टायरिंग मॉर्निंग रही है, सुबह के लोग 4 बजे के उठे हुए हैं, उसके बाद उनको खींच खांच के किसी तरह से बिठा दिया गया है, तो अपनी बात को जल्दी खत्म कीजिए और निकल जाइए, बिकॉज वो आपको 1.5 घंटे सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहेंगे. अकॉर्डिंग टू रिसर्च विच बीन फाउंड इज कि लोगों का जो अटेंशन स्पैन है इज नॉर्मली लिमिटेड टू ओनली अबाउट 20 मिनट्स, बट इफ दे आर हंग्री एंड टायर्ड इट बी इवन शॉर्टर. ब्राह्मणों का अटेंशन स्पैन 3 से 4 घंटे है. आई एम नॉट जोकिंग, इट्स अ फैक्ट. आई हैव फाउंड कि हमें बाबा को सुनने को या मुरलियां सुनने की वजह से 1.5-2 घंटे या प्रोग्राम्स जो है हमारे, जब वो शुरू होते हैं तो किसी भाई का गीत होता है, किसी का नृत्य होता है, बुके प्रेजेंटेशन होती है, तो जब तक शुरुआत होती है 1 घंटा तो निकल चुका होता. तो ब्राह्मणों को 2 घंटे बैठने की आदत है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं है. सो प्लीज, अगर आप बाहर वालों को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 45 मिनट एब्सोल्यूट अपर लिमिट. लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, अगर आपने उनके अटेंशन को होल्ड किया है, अगर बीच बीच में कोई इंटरेक्शन भी होता रहा है या कभी जोक चलते रहे हैं, तो उसकी वजह से अटेंशन स्पैन को आप बढ़ा सकते हैं. लेकिन कुछ नेचर की भी बातें होती है जो मैं नहीं कह सकता हूं, तो उनके लिए यू हैव टू गिव अ ब्रेक, डोंट प्रोलॉन्ग इट फॉर टू मच. नेक्स्ट वन प्लीज. जी, नेक्स्ट वन. नाउ हाउ डू यू रिड्यूस द टेंशन? आई डोंट नो वेदर एनी वन ऑफ यू नोटिस्ड, मैं बिफोर द प्रेजेंटेशन आई वेंट एंड आई सैट ऑन द चेयर फॉर अबाउट 5-7 मिनट्स. मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि मैं अकेला बैठा हुआ था, और भद्र बात यह होती है कि जब तक मुझे बुलाया ना जाए मैं ना जाऊं. बट आई यूज्ड दैट टाइम फर्स्ट टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, टू लुक एट सम पीपल, फॉर देम टू सी माई फेस, फॉर देम टू फील कंफर्टेबल. आई ऑल्सो यूज दैट टाइम टू रिड्यूस माई ओन एंग्जाइटी, कि वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम हाउ टू हैंडल इट. आई यूज दैट मच टाइम टू जस्ट काम योर सेल्फ, एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेवर एक्सेप्ट एन ऑडियंस प्रेजेंटेशन. अगर आपकी गाड़ी सुबह 6 बजे पहुंच रही है और आप 9 बजे प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, प्लीज डोंट डू इट. आई वॉज सपोज टू बी इन माउंट आबू येस्टरडे. आई हैड अ पॉसिबिलिटी, आई वॉन्टेड टू डू कि आज सुबह 6 बजे चल के यहां पे 7-7:30 तक पहुंच जाऊं, बट आई डिक्लाइंड. बिकॉज आपको प्रेजेंटेशन से पहले कुछ समय चाहिए अपने लिए, जब आपकी काम हो, रिलैक्स्ड हो और आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सके. नाउ दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स. वन इज कॉल्ड कामिंग, क्लोज योर आईज. मेरे ख्याल से गिरीश भाई इसके बारे में बाद में डिटेल में बताएंगे. आई नो दैट ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ टेलिंग दिस इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे. उसको 10 सेकेंड के लिए लें और फिर धीरे धीरे रिदमिकली उसको छोड़ दें. रिलैक्स कर सकते हैं. मसल रिलैक्सिंग टेक्निक्स हैं जो कि अगले 2 दिनों में फिर से बताई जाएंगी. नेक्स्ट वन प्लीज. फोकस करें. भूल जाएं कि आपको अभी भोजन करना है, भूल जाएं कि अभी जाके ब्रेक लेनी है, भूल जाएं कि आज शाम की गाड़ी है तो टोली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या वहां पर कि अच्छा आपको ये फटाफट प्रेजेंटेशन देने के बाद अभी बाहर जाना है. जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल दी थॉट्स इन योर माइंड. एज आई सेड, टॉक टू अ फ्यू मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस अगर आपके पास टाइम है, और अगर चाय या कॉफी पे मिल सकते हैं ताकि एक कनेक्शन सेट हो जाए. टेक अ ड्रिंक जस्ट बिफोर स्टार्टिंग, लिटिल सिप्स ऑफ वाटर. आपने अगर नोट किया हो, आई ऑलवेज कीप माई बॉटल ऑफ वाटर विद मी. मुझे वैसे भी थोड़ा प्यास ज्यादा लगती है, बट समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं एक सिप ऑफ पानी ले लूं, और आपको भी वो 10-15 सेकेंड जो है वो एक तरह से ब्रेक के लिए मिल जाएंगे. और बोलते बोलते जो जीभ थक गई है या जीभ ड्राई हो गई है और उसकी वजह से फिसल जाती है, तो वो भी नहीं होगा. इट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी नेचुरल, अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट. नेक्स्ट वन प्लीज. ऑडियंस को ये चीजें पसंद है.
इफ दे कैन हियर एवरी वर्ड इवन एट द बैक. पीछे वालों को मेरी आवाज सुन रही है? ओके. इफ दे आर मेड टू फील वेलकम, शुरू में ही आप उन्हें वेलकम करें. अगर आप रिलैक्स ढंग से उनसे बात करें, अगर आपकी प्रेजेंटेशन शॉर्टर है देन व्हाट दे एक्सपेक्टेड, आई एम सॉरी, उस चीज पे मैं आज डिलीवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जितने पॉइंट्स कवर करने हैं उतनी ही होनी पड़ेगी जितना मुझे समय है. इफ इट इज अ केयरफुल मिक्स ऑफ वॉइस एंड विजुअल्स, और अगर आप एक दो फनी एनेक्डोट्स जो कि रेलेवेंट हो, अपने घर की बात का कोई जोक थे जिसका कोई मीनिंग नहीं है उसका नहीं, बट समथिंग विच इज रेलेवेंट. एंड एज गिरीश भाई वाज सेइंग यस्टरडे कि उनके पास 6-7 किताबें हैं जहां से वो अलग अलग समय से लेते हैं, तो शायद वो शेयर करें कि वो जोक्स कहां से मिल सकते हैं. एंड इफ यू एड्रेस देम एट अ पर्सनल लेवल रादर देन एड्रेसिंग देम फ्रॉम अ पोडियम, अगर आप एक बहुत ऊंचे से यू आर एड्रेसिंग टू देम एज इफ दे आर नॉट देयर, देन इट विल नॉट वर्क. Next time, please. I'll just. Okay, how to open a presentation? You can thank the chair if that is appropriate. Or, आम तौर पे मैंने पाया है कि ज्यादातर जगहों में ये appropriate रहता है, क्योंकि जो लोग audience में बैठे हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप में कितनी शिष्टता है और स्टाइस पे और कौन लोग बैठे हैं. And it is important many a times to connect with those people. You may say thank you very much for the presentation, I think you'll find it interesting. या short summary से आप कर सकते हैं, जो कि शुरू में we did कि आज हम इन बारों में बात करेंगे और end में ये होगा. या practical details आप कर सकते हैं कि किस तरह से जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी मदद करेगी. विच वॉज द वेरी फर्स्ट स्लाइड इफ यू रिमेम्बर. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि शुरू में ही आप उनकी अटेंशन को ग्रैब करें और फिर उसके बाद चालू हो जाए. नेक्स्ट वन, वी हैव जस्ट गॉन ओवर दिस टेक्निक्स ऑफ गुड डिलीवरी. स्टार्ट विद योर नर्व बस्टिंग टेक्निक्स, हाउ टू यूज द माइक्रोफोन. हमेशा अगर आपकी ऑडियंस 15 लोगों से ज्यादा है और आपको जोर से चिल्लाने की आदत भी है, तब भी माइक्रोफोन को यूज करें, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आपकी आवाज जो है वो भरानी शुरू हो जाएगी. आई हैव फाउंड कि एक कमरे के अंदर भी एक माइक्रोफोन को, चाहे लो वॉल्यूम हो, उसको इस्तेमाल करें तो लोगों को आसानी होती है. एंड इंसिडेंटली नाउ डेज आपको ये सारा सिस्टम भी रखने की जरूरत नहीं है. किसी के घर में अगर एक ठीक ठाक 2-in-1 हो तो उसमें भी एक पॉइंट होता है जिसके अंदर कि आप माइक्रोफोन को लगा सकते हैं. जो कि लोग रेगुलरली लेक्चर्स देना चाहें उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं कि माइक्रोफोन्स मार्केट में 500 रुपए तक भी आजकल अवेलेबल है, अच्छे माइक्रोफोन जिनसे कि काम चल सकता है. एज आई सेड, फाइंड आउट अबाउट द ऑडियंस एंड मेक योर टॉक फॉर द स्पेसिफिक नीड. एंड इफ पॉसिबल रिक्वेस्ट प्रेम भाई टू गिव यू द बेस्ट स्लॉट इन द मॉर्निंग. Next one, please. Maintain constant eye contact with the audience. I think this is very, very important. कई बार आप एक काम कर सकते हैं कि कुछ key persons को आप choose कर लें और उन key persons को देखें कि क्या वो audience में अलग अलग जगह बैठे और उनको बार बार focus करें. Audience को दूर से नहीं पता लगता कि मैं आप पर focus कर रहा हूं या आपके साथ वाले पर, लेकिन ऑडियंस को लगता है कि मैं इस जनरल डायरेक्शन में फोकस कर रहा हूं. एंड देन कीप शिफ्टिंग स्लोली फ्रॉम वन टू अनदर, सो एवरीबॉडी फील्स कि उनके साथ एक 1-to-1 कनेक्शन बना हुआ है. अपीयर काम एंड हैप्पी टू बी देयर. बिगिन ड्रामेटिकली. स्ट्रक्चर योर टॉक. यूज ह्यूमर. डोंट यूज लैंग्वेज विच पीपल कांट अंडरस्टैंड. मैंने कई बार ये देखा कि लोग जो हैं वो लेक्चर समझ लेते हैं एक प्रेजेंटेशन को, बहुत ऊंचे ऊंचे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं और लोगों को एंड में ये तो लगता है कि साहब कोई ज्ञानी आत्मा है, लेकिन जो प्रेजेंट करने आए थे उसके बारे में ज्ञान नहीं देता है. सो प्लीज मेक इट एज फ्रेंडली टू द पीपल एज पॉसिबल.
अगर आप किसी ऑडियंस को लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं तो लोकल लैंग्वेज में बोलिए. अगर आपकी एज यू आर सीइंग टुडे दैट ऑल द थिंग्स विच आर रिटन इन इंग्लिश इंसिडेंटली देर इज अ प्रॉब्लम. अगर मैं इस पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन हिंदी में करना चाहूंगा इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. जो कंप्यूटर के हिंदी प्रोग्राम्स हैं उस हिंदी को टाइप करने वाला कोई जानना चाहिए, मेरी लिखी हुई हिंदी इतनी अच्छी हो और उसके बाद उसकी स्लाइड्स बने और उस स्लाइड्स को मैं पावर पॉइंट में फीड करूं. उसी प्रकार से ओएचपी अगर टाइप्ड हो लेकिन हिंदी में आप चाहें तो ओएचपी पे लिख सकते हैं, वो चल सकता है. लेकिन जहां तक बोलने की बात है हमेशा जो लोकल लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करें. इट ऑलवेज वर्क्स एंड कीप इट सिंपल एज फार एज पॉसिबल. कीप इट सिंपल. नेक्स्ट वन प्लीज. वी जस्ट स्पोक अबाउट हाउ टू मास्टर द इक्विपमेंट. मैं ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक एक करके दे रहा हूं ताकि अगर आपको एक घंटे पहले की बात थोड़ी सी डिम हो गई हो मेमोरी में तो याद रहे. नेक्स्ट वन प्लीज. इफ पॉसिबल तो कोई व्यक्ति जो आपकी मदद कर सके उसकी मदद लें, नहीं तो खुद ही इस चीज को हमेशा कोशिश करें कि आपको मालूम हो कि कैसे करना है. वी हैव स्पोकन अबाउट हाउ नॉट टू डेजल द ऑडियंस, हाउ टू चूज द फिल्म. कई बार जो अच्छी फिल्म हैं वो एक के ऊपर दूसरी रख के भी आप कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स बना सकते हैं. इफ एनी वन ऑफ यू इंसिडेंटली इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द विजुअल्स तो बाद में मिलके हम पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट वन प्लीज. ओके प्लीज गेट अ बैकअप प्रोजेक्टर. द वेरी सिंपल मैसेज इफ पॉसिबल. इफ नॉट अ प्रोजेक्टर देन हैव बैकअप इन सम वे, चाहे वो लिखा हो चाहे वो जो भी हो, चाहे वो ओएचपी हो चाहे वो व्हाइट बोर्ड हो. नेक्स्ट वन प्लीज. जब सब कुछ प्रिपेयर हो गया रीच द वेन्यू अर्ली. आई फाउंड कि लोग आमतौर पे जिस दिन प्रेजेंटेशन होती है उसी दिन कंसल्टेशन शुरू कर देते हैं, उसी दिन जितने काम होते हैं वो भी करना शुरू कर देते हैं और जब तक आप वेन्यू तक पहुंचते हैं तो ऑडियंस बैठी है, आप लेट पहुंचे. प्लीज नेवर डू दैट. इट्स नॉट अ बैड थिंग कि अगर जो प्रेजेंटर है वो दूसरों से 10 मिनट पहले पहुंच जाए. इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन टू द ऑडियंस. इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू सिट ऑन द डायस यू कैन सिट ऑन अ चेयर. चेक ऑल द इक्विपमेंट्स. टॉक टू द मैनेजमेंट एज आई सेड अबाउट लाइटिंग हीटिंग वेंटिलेशन. ये पॉइंट्स आप जब डीकेस के अंदर कर रहे हैं तो शायद आप दूसरों पर छोड़ देते हैं लेकिन जब आप बाहर प्रेजेंटेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उसी समय में पता लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वो तो छुट्टी पे गया हुआ और दूसरे के पास चाबी नहीं है. नाउ आई हैव हैड दीज एक्सपीरियंसेस मेनी अ टाइम्स कि आप किसी स्कूल में प्रेजेंटेशन करने के लिए गए, बच्चे तो रेडी हैं, प्रिंसिपल भी आ गया, बुके भी आ गया, लेकिन जिस भाई ने आपका माइक्रोफोन चलाना है वो आज छुट्टी पर है और उसकी जो चाबी है वो उसके साथ ही है और फिर उसके बाद तलाश शुरू होती है, कोई इसके घर पहुंचता है, जब तक वो आता है तब तक सब खत्म हो जाता है. नेक्स्ट वन प्लीज. सीटिंग प्लान. आई हैव फाउंड कि कई बार अगर बहुत भीड़े भीड़े हो या बहुत खुले हो देन यू आर नॉट एबल टू. अगर एक छोटा हॉल हो नॉट बैड टू टेल द पीपल जो पीछे बैठे हैं. अगर 200 कुर्सियां हैं और सिर्फ 50 लोग हैं तो लोगों की थोड़ी इच्छा होती है कि आसपास थोड़ा 3-4 कुर्सियां उनके खाली रहे, तो उन सबको कहिए कि आगे आ जाइए. देन यू कैन कनेक्ट विद द ऑडियंस मच बेटर. बिफोर इफ यू कैन मीट देम इट विल बी वेरी नाइस. गिव योर सेल्फ एज ए सेट अ कपल ऑफ मिनट्स. नेक्स्ट वन प्लीज. मेक श्योर यू मॉनिटर योर सेल्फ. मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूं, बस 3-4 मिनट में खत्म करेंगे कि टाइम कहां चल रहा है. और ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके बाद वाले प्रेजेंटर हैं उनको मुश्किल होती है या ऑडियंस का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से मुश्किल हो जाती है. आई कॉन्टैक्ट एंड ऑकवर्ड क्वेश्चंस वी विल डील विद देम राइट नाउ. अगर आप कोई ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे ओनली देन. नेक्स्ट वन प्लीज. हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस. यू मे से इट इज आउटसाइड द स्कोप. कोई पूछता है कि साहब जो कल डायबिटीज के बारे में प्रोग्राम हुआ उसके बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं इन एन ऑडियंस. आई हैव सीन दिस हैपन.
So you can just say outside the scope of this particular presentation. We can talk about it later outside this in the session. Acknowledge the questioner, and sometimes you may elicit it from them. Oh, it's a good question. लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है, या आप दूसरों से कह सकते हैं कि इनके बारे में आपकी क्या राय है, या इन्होंने जो पूछा उसमें क्या राय है, और उसको एक क्वेश्चन को आप ज्यादा लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वन प्लीज. इफ यू डोंट नो समबडी से आई एम सॉरी आई डोंट नो, आई विल फाइंड आउट फॉर यू लेटर. 200 लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता. आई हैव ऑलवेज फाउंड कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यू नो रिसर्च हैज शोन, और उसमें आप फिर घूम घाम के कुछ और आंसर दे दें, ऑडियंस इज नॉट सेटिस्फाइड. इफ यू टेल देम आई एम सॉरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग आई डू नॉट नो, आई विल फाइंड आउट एंड टेल यू लेटर, एक्सेप्टेबल. ह्यूमर, इफ समबडी सेज आस्क अ वेरी ऑकवर्ड क्वेश्चन, यू कैन से यो प्रेजेंटेशन वॉज गोइंग वेरी नाइसली टिल नाउ, मुझे मालूम था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तो आपने प्रश्न पूछ ही लिया जिसकी वजह से मैं ऑकवर्ड हो गया. यूज ह्यूमर, बट प्लीज डू नॉट एवर एवर ट्राई टू बी रूड टू योर ऑडियंस. आई फाउंड, खैर वो तो ज्यादा लोगों का यहां पे संस्कार नहीं होगा रूडनेस का, लेकिन कई बार लोग रूडनेस को प्रेजेंटेशन का पार्ट बना देते. यू कैन यूज, यू कैन टेल द ऑडियंस कि वो बाद में आप प्रेजेंटेशन में लेंगे, एंड इफ somebody criticizes, यू कैन डील विद इट saying दैट वी विल टॉक अबाउट इट अ लिटिल लेटर, और my प्रेजेंटेशन इज नॉट finished. लास्ट वन प्लीज. हाउ टू डू इट इन अ हरी, काफी बार मुझे 24 घंटे के नोटिस पे ही बात करनी पड़ती है. उसके लिए यू मस्ट प्लान अ लिटिल टाइम फॉर योर सेल्फ, अबाउट 90 मिनट्स टू 2 आवर्स, जिसमें कि आप सारे पॉइंट्स लिखें, उन पॉइंट्स की समरी बनाएं, और उसके बाद एक स्टोरी सी बनाएं. कीप दी एंटायर स्टोरी वेरी सिंपल, गो ओनली विद पॉइंट्स, हैव एन इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड कंक्लूजन. स्लाइड्स को सिंपल रखें, उस समय में बहुत फैंसी स्लाइड्स बनाने की कोशिश ना करें. OHPs एक्चुअली आर द बेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. नेक्स्ट, यूज अ फ्लिप चार्ट और इक्विपमेंट चेक और रूम चेक, ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट, दिस इज माई लास्ट स्लाइड, एंड आई एम सेइंग दिस इज माई लास्ट स्लाइड बिकॉज आई थिंक वॉट एवर हैज गॉन बिफोर दिस, द सीक्रेट लाइज हियर. You won't make a persuasive presenter unless you have done the planning. Even if it is just a few minutes before a meeting, plan what you are going to do, which is essential. ये गलती मैं अब भी करता हूं. कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो सारी बातें चल रही होती हैं, मुरली के पॉइंट्स भी चल रहे होते हैं, टिल द टाइम यू रीच द रूम, और उस समय में आपके दिमाग में सिर्फ वही बातें चल रही होती हैं, नॉट अबाउट योर प्रेजेंटेशन. एंड आई हैव फाउंड कि प्लानिंग अ प्रेजेंटेशन अ नाइट बिफोर एंड जस्ट बिफोर यू आर मेकिंग इट, द सीक्रेट लाइज देयर. एंड द कॉमनेस्ट रीजन फॉर पुअर प्रेजेंटेशन इज पुअर प्लानिंग. मोस्ट पीपल हु मेक अ पुअर प्रेजेंटेशन डोंट हैव अ क्लू अबाउट वॉट दे आर ट्राइंग टू अचीव, अपार्ट फ्रॉम जस्ट गेटिंग टू द एंड ऑफ द सेशन. एक घंटे का टाइम है, वो कहते हैं किसी तरह से निपटा दें, झेल जाए और निकल जाए. एंड आई थिंक लास्टली, एंड आई हैव वोन दिस टी शर्ट ओनली फॉर यू पीपल टूडे, लास्टली द इम्पोर्टेंस इज वॉट दिस मैसेज इज. दिस इज गेट टू द पॉइंट, गेट टू द पॉइंट and get to the point here, right through the heart. अगर आप emotionally किसी को important points से touch करेंगे, it will last with them forever. Thank you very much for your patient hearing. Thanks a lot. It is technology driven. ज्यादातर international presentations में साथ ही साथ video recording भी चलती है, और उसकी वजह से कई बार ये होता है कि जैसे यहां पर है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स में लगे हुए हैं
और आपको जो मुरली चल रही है उसकी ऑडियो या वीडियो दोनों आ जाती है। तो कई बार जो एक मेन प्रेजेंटेशन चल रही है उस प्रेजेंटेशन की बाहर फोटो भी चलती है और आपका ऑडियो भी चलता है, तो जो लोग अंदर बैठे हैं वो तो सुन ही पा रहे हैं आपको प्रत्यक्ष में, लेकिन जो बाहर वाले हैं वो उसका भी लाभ ले पा रहे हैं। बट आई पर्सनली फील दैट इट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी कंफर्टेबल, एटलीस्ट फॉर मोस्ट पीपल हु आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ देमसेल्व्स। उनको जब फर्स्ट टाइम एकदम कैमरा होता है, जब तक कैमरा चल रहा है मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी तस्वीर भी आ रही है, इट इज वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। और उसका फायदा सिर्फ टेक्निकल रीजंस की वजह से है, दैट दे हैव द इक्विपमेंट एंड दे वांट टू रीच आउट टू एन ऑडियंस जो कि बाहर भी बैठी हुई है, इट्स ओनली फॉर दैट रीजन, लेकिन उसका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं। आई लव इट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टेलीविजन फॉर मेनी ईयर्स। अगर पर्सनली आप मेरे ऊपर लाइट डालेंगे तो मेरी प्रेजेंटेशन बेटर हो जाती है, बट दैट इज नॉट द केस विद मोस्ट पीपल। एंड आई थिंक इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, इट इज योर राइट, इट इज योर वन आवर, यू कैन ऑलवेज टेल देम प्लीज रिमूव द लाइट। और समटाइम्स आई हैव फाउंड कि आप थोड़ा सा ड्रामा कर सकते हैं, लाइट वाइट के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो कैमरामैन को मैसेज मिल जाता है कि लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट है। इंसिडेंटली ज्यादातर कैमराज जो हैं आज की डेट में वो इतने लाइट सेंसिटिव हैं कि वो इस लाइट में भी हमें ले सकते हैं। वो जो एक्स्ट्रा लाइट है वो एक छोटा मोटा ड्रामा है कैमरामैन का। एंड आई थिंक इट इज योर राइट टू टेल देम दैट यू टेक देम फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, यहां की बजाय अगर वो यहां रख लेंगे, ठीक है, आपका फेस नहीं आएगा, आपका प्रोफाइल आएगा, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन ठीक चलेगी। सो यू आर विद इन योर राइट टू जस्ट टेल देम दैट दिस इज डिस्ट्रैक्टिंग मी। जी, बात शेयर करना चाहूंगा, आई थिंक गिरीश भाई मुझे परमिशन देंगे तो शेयर कर सकता हूं। आज सुबह हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे दोनों इकट्ठे, तो बात चली कि दो सेशंस हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स पर, तो गिरीश भाई ने मुझे बताया कि वो सेकंड सेशन लेंगे और वो बैठे होंगे और जो मैं बोल दूंगा वो नहीं बोलेंगे। बट आई एम श्योर कि आई होप कि मैंने वो नहीं बताया जो आप बताना चाहते थे। ओके, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर शकीर ने बहुत इम्पोर्टेंट इशू उठाया है। फर्स्ट थिंग इज कि अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट आ रहा है तो उसे थोड़ा जल्दी का टाइम दें और ऑडियंस को थोड़ा सा लेट का टाइम दें, क्योंकि ज्यादातर इंडिया में एक्सपीरियंस रहता है, सचिन सुबह कह रहे थे इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम IST कि 10-15-20 मिनट तो आम बात है, 1-2 घंटा भी हो जाता है। तो उसके लिए सिर्फ यही है कि जो आपके माननीय अतिथि हैं अगर आप उनकी बात ऑलरेडी खुलासा कर देते हैं तो उनके लिए नहीं, ये आपके लिए थोड़ी सी शर्म की बात हो जाती है, क्योंकि इतनी दूर से कोई व्यक्ति आया और उसने आके भी वही बात की जो बहनों ने की थी, तो फिर कोई उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। क्या चीज की जा सकती है, एंड उसके लिए मैं कॉन्क्रीट 2-3 बातें कहना चाहूंगा। उस समय में आप ऑडियंस के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि इस बात के बारे में जो आज का सब्जेक्ट है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या क्या जानना चाहेंगे। उससे आप ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी जो अतिथि आ रहे हैं उनको बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक चीज नोटिस की है, खैर उन्होंने तो बहुत एक्सपीरियंस के साथ सीखे हैं ये बातें, दादियों ने, दादी जानकी आते ही पहली बात पूछती हैं कौन है, कितने हैं, और उस हिसाब से फिर वो पूरा फ्रेमवर्क अपना बना लेती है। सो अगर ये फीडबैक अतिथि को आप दे सकते हैं तो उसके लिए भी आसान हो जाता है, ऑडियंस के लिए भी आसान हो जाता है, टाइम भी निकल जाता है, और ऑडियंस को ये महसूस होता है कि जो लेक्चर है वो उन्हीं के लिए टेलर मेड है। सेमिनार है या कोई डिस्कशन है, उसे उस समय तक जब तक कि आपके अतिथि नहीं आते डिस्कस करना इज बैड मैनर्स इफ नथिंग एल्स है, तो वो ये कह सकते हैं कि आज जिस चीज की आपको वैल्यू नहीं लग रही है लेकिन बाद में लगेगा, कि पढ़ाई के साथ साथ
दूसरी चीजों की भी जिंदगी में जरूरत होती है, तो उसी चीज की एक विंडो आपके लिए ओपन करने के लिए आए हैं। आप उसको सुने प्यार से, और जो चीज आपको नहीं ठीक लगती है उसके बारे में हम क्वेश्चंस बाद में बात कर सकते हैं, बट यू हैव टू एड्रेस द फियर्स, द रेजिस्टेंसेज ऑफ द ऑडियंस। जब तक आप अपने ऑडियंस को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे तो वो फिर एक लेक्चर और वो फिर अनमने मन से सुनना ही रह जाएगा, लेकिन वो एक वो इंटरैक्टिव प्रोसेस नहीं बनेगा। मैंने कई बार कोशिश की कि लोगों को ये ट्राई करने दिया जाए, क्योंकि मेरी हाइट शायद थोड़ी सी बढ़ जाए, लेकिन बढ़ी नहीं। दीदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू रेज किया। आमतौर पे ये बात आती है क्वेश्चन आंसर सेशन में, या ओके द क्वेश्चन वाज कि कई बार लोग आपकी अलग अलग समय पर लाइक पुलिंग करना चाहते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस। कई बार कुछ व्यक्ति होंगे जो वहां बैठे बैठे ऑडियंस में हंस रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं, या कुछ ऑडियंस होगी जो कि क्वेश्चन आंसर सेशन में आपसे कोई ऐसा भद्दा कई बार लेकिन कई बार अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियली इटसेल्फ टू निप इट इन द बड। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की ये खास इंटेंशन है तो आप उसी समय कह सकते हैं वी बी अ लिटिल क्वाइट देयर। आपके जो क्वेश्चंस हैं, इश्यूज हैं, उनको बाद में रेज करेंगे। देखिए, आपके ऊपर अगर फोकस है सब ऑडियंस का और उसकी वजह से आपको घबराहट है, अगर आप वही फोकस उस व्यक्ति पर शिफ्ट कर दें तो उसके लिए भी घबराहट हो जाती है। मान लीजिए वहां पर कोई बैठे हैं, जस्ट वन सेकंड, और मैं खड़ा होकर कहूं कि आप अगर दो मिनट के लिए बात ना करें तो हम प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उस समय में सारे व्यक्ति जो है वो घूम के उस व्यक्ति को देखेंगे, पूरी प्रेजेंटेशन के लिए चुप हो जाएगा। या अगर आपको लगता है कि नहीं कभी कभार ऐसा हो रहा है, देन लेट इट गो। लेकिन बाद में अगर आपसे कोई क्वेश्चंस पूछता है, अगर तो जेन्युइन क्वेश्चन है देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड। एज आई सेड कि सारे का सारा जो दारोमदार है वो आपकी प्लानिंग के ऊपर है। प्लानिंग सिर्फ यही नहीं है कि प्रेजेंटेशन क्या है, एज आई सेड कि क्वेश्चन आंसर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। आपको मन में यह भी होना चाहिए कि किस प्रकार की ऑडियंस आएगी और वो क्या आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है, उसके लिए आपने क्या कहना है। और अगर आप प्रिपेयर नहीं है और आप उस समय थोड़े से नर्वस हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन शायद दूसरों को इंटरेस्ट नहीं कर रहा, तो इसके बारे में बाद में बात करें। बट प्लीज डोंट लेट इट गो। अगर आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो बाकी ऑडियंस जो है वो भी समझ जाएगी, and then your entire presentation would be gone.